टाटा नैनो के बारे में आप सभी को पता होगा। टाटा नैनो इंडिया में 2008 में लॉन्च की गई थी। इसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हर इंडियंस के पास अपनी कार हो और वो रोड पर सेफली चल पाए। लेकिन इसकी प्रोडक्शन 2018 में बंद कर दी गई क्योंकि इसकी सेल्स बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। लेकिन अब यही कार अपने नए इलेक्ट्रिक वर्जन में आने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर ट्रेन बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रा ईवी ने टाटा नैनो कस्टमाइज कर इलेक्ट्रिक कार का रूप दिया है। कस्टम इनबिल्ट 72 वोल्ट टाटा नैनो ईवी को रतन टाटा को जब डिलीवर किया गया तो उन्हें ये कार काफी पसंद आई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर 2022 टाटा नैनो के फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, फ्रंट पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, ब्लूटूथ, AUX IN, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मेटेलिक पेंट्स ऑप्शंस के साथ बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। टाटा नैनो ईवी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टाटा नैनो ईवी 200 किलोमीटर की ARAI रेंज देती है। इसी के साथ ये 140 किलोमीटर की रेंज देती है। ये कार 10 सेकंड से कम समय में 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। ये कार 4 सीटर कार है। इस कार में 72 वोल्ट बैटरी पैक लगाया गया है जो कि लिथियम आयन बैटरी है। इसे 48 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटर से लैस किया जाना था जो कि 23 BHP की पावर जनरेट करती है। इस कार का टोटल वेट 800 kg होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पहली बार है तो लाइक